देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। भिलाई में हुई ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में धैर्य की भूमिका पर चर्चा। शिक्षा नगरी और इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के मिनी इंडिया भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर ऑडिटोरियम में भिलाई इस्पात संयंत्र के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए कन्वर्सेशंस ऑन लीडरशिप बियॉन्ड बाउंड्रीज द रोल ऑफ पेशेंस इन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप विषय पर इंस्पिरेशनल टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर बीके गोपी मुख्य वक्ता रहीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में न सिर्फ लीडरशिप में धैर्यता के बारे में बताया, बल्कि उसे मेडिटेशन और एक्टिविटीज के माध्यम से बहुत ही कम समय में सभी के जीवन का उसे हिस्सा बना दिया। अंत में क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हुए। इस मौके पर डीजीएम माइंस तपन सूत्रधार एके बट्टा ईडी के सिंह समेत कई कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहे। शक्तिशाली स्थिति के लिए जानिए राज्यों कैसे है जरूरी। आगे बंडोल सेवा केंद्र द्वारा संकल्प शक्ति से शक्तिशाली स्थिति मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू साहब बीके शक्तिराज ने योग की क्रिएटिव विधियों से सभी को अवगत कराया। वहीं रिट्रीट में बीके गीता, बीके समता और सिवनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने योग शक्ति का महत्व बताया। सुनते हैं इन सभी का क्या कहना था। ये भट्टी करके मैं अपना इतना परिवर्तन कर लूं कि मेरे घर वाले कम से कम सर्टिफिकेट दे दें कि आप वहां जा करके आप रेगुलर ज्ञान सुन रही हो, योग कर रही हो, तो सच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ब्रह्म कुमारी के प्रशासन सेवा प्रभाग अभियान द्वारा झालरा पाटन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में राजयोग द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने कहा, जैसे व्यक्ति की सोच होती है वैसे ही उसका जीवन होता है, इसलिए हम अपने विचारों की क्वालिटी को बढ़ाएं। वहीं जयपुर से आई बीके स्नेही ने अध्यात्म के सिद्धांतों को सुनाया। अंत में बीके गुलाब ने राजयोग की विधि बताई और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नेहा ने राजयोग सीखने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट गोपाल मीणा समेत कई अधिकारियों ने शील्ड देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के खनन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में ब्रह्म कुमारी द्वारा लगाए गए व्यसन मुक्त एवं तनाव मुक्त प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान बीके सीता ने प्रदर्शनी समझाते हुए कहा कि तन के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। दरअसल जिला चिकित्सालय द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमे ब्रह्म कुमारी द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गयी थी। इस प्रदर्शनी का खनन एवं श्रम विभाग मंत्री समेत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीएस उपाध्याय व अन्य विशिष्ट लोगों ने चित्र प्रदर्शनी देखी और उसकी प्रशंसा की। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र में नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शिरकत की, जहां प्रभारी बीकी विमला ने उनका सम्मान किया तो महापौर ने अपने अनुभव भी साझा किए। जबलपुर शहर को संस्कार देती है, प्रेम की भावना देती है, आपस में जुड़कर रहने की भावना देती है। आज एक परिवार भी है तो रहना मुश्किल हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने से ठीक नहीं होगा। ये जब लोग बाबा का पर विश्वास करेंगे और ब्रह्म कुमारी जैसे जगह पर आएंगे तो ही संभव है। मैं समझती हूँ कि जो मेयर माना नगर पिता है, वो पिता के रूप में आप जरूर सबको ऐसी पालना देंगे, सबके सुख दुख को समझेंगे और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे आपसे पूरा पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से ऐसी ही सेवा आपके द्वारा होती रहेगी तो श्री बाबा भी आपको आगे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। पश्चिम मेदिनीपुर घटल के टाउन हॉल में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर और पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा आलोदिक कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्म कुमारी को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर तमलुक सब जोन निदेशिका विकल्पना ने मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मकता और तनाव मुक्त खुशहाल जीवन विषय पर जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक ममता भूनिया, अरूप धारा, एडिशनल SP आलम कुसुम घोष, राणा मुखर्जी, SDO सुमन विश्वास समेत 500 से अधिक विख्यात लोग मौजूद थे। नरसिंहपुर के केंद्रीय जेल में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कलेक्टर रोहित सिंह और बीके विधि समेत कई बीके सदस्यों ने पौधे लगाए। थाने के शिवाजी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, बीके ज्योत्सना तथा बीके संदीप ने जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर से मुलाकात की और ईश्वरी संदेश देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ब्रह्म कुमारी के तपोवन प्रांगण में 3 दिवसीय किसानों के लिए शाश्वत योगी खेती का ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और गुजरात के लगभग
120 किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी किसानों को शाश्वत यौगिक खेती करने की ट्रेनिंग देने के साथ ही जीवन को खुशनुमा बनाने की कला भी सिखाई गई, जिसमें प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत समेत कई बीके सदस्य मुख्य वक्ता रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।